हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे गार्डनिंग विद एल्विका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये मोरपंख का कटिंग्स कैसे लगाते हैं मैं पूरी मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे घर के सामने मैंने दो मोरपंख के पौधे लगाए हैं और उसी में से मैं अभी ये दो कटिंग्स ले रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें से दो कटिंग्स लिया है और अभी देखिए ये कटिंग्स मैं अभी लगाऊंगी। और ये देखिए, ये मैंने छोटा सा पॉट लिया है, तो आप देख सकते हैं छोटा सा पॉट है और इसमें से मैंने ये नीचे का पत्ते सारे हटाना है इस कटिंग से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे का सारे पत्ते हटा दिया है। जब भी हम जो भी कटिंग्स लगाते वक्त ऐसे में नीचे के सारे पत्ते और स्टेम्स हटाना है। और ये देखिए, ये मैंने छोटा सा एलोवेरा का टुकड़ा लिया है ताकि इसको ये एलोवेरा जेल लगा के ही मैं ये कटिंग्स लगाऊंगी। और देखिए, ये मैं अच्छी तरह से ये एलोवेरा का जेल इसको लगाऊंगी। जब भी हम जो भी कटिंग्स लगाते वक्त ऐसे एलोवेरा जेल लगाना है तभी हमारे कटिंग्स जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये मैंने अच्छी तरह से इसको एलोवेरा जेल लगाया है और अभी मुझे इस पॉट को मिट्टी भर दूंगी इस पॉट में। और पहले से मैंने दो पत्थर रखे हुए हैं ताकि इसका ड्रेनेज होल अच्छा रहे। और ये देखिए, ये मैंने पहले से, ये पहले की ही मिट्टी है इसी पॉट में से। ये बहुत गीली थी इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सूखी मिट्टी मिलाया है और अभी मैं सारी मिट्टी इसमें भर दूँगी। देखिए, मैंने इसमें कोई खाद भी नहीं मिलाया है, सिर्फ मिट्टी ही है। पहले से इसमें थोड़े रेत भी मिलाया था मैंने पूरा भर दिया है। अभी इसको छोटा सा होल करके अभी मैं ये कटिंग जो मैंने एलोवेरा जेल लगा के रखा था, ये देखिए अच्छी तरह से जेल लगा के ये कटिंग अभी इसमें लगाऊंगी। और ये देखिए, ये कटिंग्स मैंने लगाया है, उसके ऊपर पे और थोड़ी मिट्टी भर दूंगी और अच्छी तरह से इसको प्रेस करके उसके ऊपर और थोड़ा सा मिट्टी भर दूंगी। और ये हो गया, मैंने एक कटिंग इसमें लगा दिया है। ये देखिए, जब ये कटिंग्स ग्रो हो जाएगा तब मैं आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। अभी मुझे ये कटिंग जो लगाया है मैंने, अभी मैं इसको पूरे बारिश में नहीं रखना है, थोड़ी ऐसे ही मैं इसके स्टेप्स के ऊपर रखूँगी, थोड़ी सी अंदर रखूँगी, पूरे बारिश में नहीं रखना है। और ये देखिए, एक और कटिंग्स है मेरे पास और ये कटिंग मैं ऐसे ही कहीं और लगा दूँगी। और इस दोनों कटिंग से जो भी कटिंग ग्रो हो जाएगा तब मैं आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।